हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्टॉक एनालिसिस में स्वागत है। तो मैं आज बात करूंगी कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो क्रैश होगा कि नहीं होगा, जैसा कि जो न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह आया है उनके थ्रू क्या न्यूज़ देखने को मिला है, उन सब का बात करूंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। देन हम देखते हैं जो हमारा रिलायंस शेयर है उसके बारे में। तो हम देख सकते हैं इसमें अभी जो करंट प्राइस है वो 1916 है और इसका 3.94% हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका जो न्यूज़ के बारे में देखें तो ये लाइव मिंट पे आया हुआ है ये न्यूज़ ई पेपर के थ्रू। तो हम इसमें देख सकते हैं इसमें बोला गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ $15 बिलियन स्टेक सेल सील विद सऊदी अरामको स्टोल्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि जो न्यूज़ था 15 बिलियन का जो स्टेक था वो रुक गया है, स्टोल्ड मतलब रुक गया है। ये हमें जो सऊदी अरामको के साथ जो डील था 15 बिलियन का वो रुक गया है, ये हमें रिपोर्ट के थ्रू पता चला। और हम देख सकते हैं जो आगे इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला है अरामको वॉन्ट्स इंडियाज रिलायंस टू रिव्यू इट्स प्राइस फॉर द ओटू केमिकल बिजनेस एज द ग्लोबल वैल्यूएशन ऑफ ऑयल असेट हैज ट्रबल ड्यू टू फॉलिंग डाउन डिमांड फॉर क्रूड वन सोर्स सेड। इसमें जो अरामको है उन लोगों को जो उनको रिव्यू करना है इसके ऑयल प्राइस पे, क्योंकि जब जो क्रूड ऑयल का प्राइस में जो हमें क्रैश होने को दिखाता है, जो सऊदी रशिया का जो इनका जो हुआ था ईगो प्रॉब्लम की वजह से जो क्रूड प्राइस का जो प्राइस कम हुआ था, क्रूड ऑयल का जो प्राइस डिक्रीज हुआ था, जैसे जो उसका प्राइस था पहले $70, फिर वो गिरते हुए बीच में हो गया था $40 पर बैरल के। तो हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा गिरावट हुआ, एसेट्स में लॉस हुआ। तो इस वजह से वो जो डील का ये हमें पता चला कि वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। जैसा कि मुकेश अंबानी ने बोला था, उसका रीज़न दिया था कि जो शेयर होल्डर्स वेंसडे अ डील हैड बीन डिलेड ड्यू टू अनफॉरेंसी सर्कमस्टांसिस इन द एनर्जी मार्केट एंड इट्स COVID-19 सिचुएशन। तो इसने ये रीज़न दिया था कि कोई सर्कमस्टांसिस की वजह से, अनफॉरेंसिक और COVID-19 की वजह से ये हमें डील टाइम पे होते हुआ नहीं दिखा। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो तो ये तो मैं फॉर श्योर हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज तो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसमें इतनी सारी जो कंपनीज है इंक्लूडिंग फेसबुक, इंटेल, ये सारी जो कंपनीज है इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो जो रिलायंस जियो है डेट हेल्प्ड द कंपनी टू बिकम द नेट डेप्थ फ्री। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि डेप्थ फ्री और नेट डेप्थ फ्री मतलब क्या होता है, इस बोथ आर सेम? तो मैं बता दूं कि जो डेप्थ फ्री है उसके इसका मतलब होता है कि उस पर कर्जा नहीं है बिल्कुल भी, और जो नेट डेप्थ फ्री है इसका मतलब है कि उनके पास इतना पैसा, इतना असेट्स आ चुका है कि वो डेप्थ चुका सकते हैं। तो हमें मतलब उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उनके पास इतना पैसा है कि वो डेप्ट फ्री हो सकते हैं। जैसा कि अगर आप ये कंपनी का खोलोगे मनी कंट्रोल पे तो आपको ये डेप्ट फ्री दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस देर इज़ अ मीनिंग डिफरेंस इन नेट डेप्ट फ्री। और जो गूगल है उसका भी हम देख सकते हैं, गूगल ऑन वेंसडे ऑल्सो मूव टू बैक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म बाय बाइंग और 7.7% स्टेक फॉर $4.5 बिलियन। तो हम देख सकते हैं कि जो रिलायंस रिटेल और जो रिलायंस जियो है इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। जो इसके इन्वेस्टर्स है 12 से 13 इन्वेस्टर्स है, तो ये कंपनी क्रैश तो नहीं होगा, उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वो डेप्ट फ्री भी हो सकता है। हाँ, जैसे अरामको की डील अगर इन केस फॉर एग्जांपल अगर ये कैंसिल हो गई तो टेम्प्ररी हमें इसमें लॉस देखने को मिलेगा, हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर नहीं हुई तो ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, बट ये टेम्प्ररी होगा, नॉट लॉन्ग टर्म। तो अगर आपके पास है शेयर तो आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये कंपनी क्रैश कभी नहीं होगा। अगर ये डील कैंसिल भी होगी तो टेम्प्ररी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, नॉट परमानेंट, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने ले रखा है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते, कंपनी क्रैश नहीं होगा। तो
मैं क्लोज करना चाह रही हूँ वीडियो को। तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, वीमेन एम्पावरमेंट को। एंड थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू।